हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और इजी सा बटरफ्लाई जो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कम समय में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, इसे 3 राउंड लेना चाहिए पहले। ठीक है, तो अभी हम इसमें डालेंगे क्रोशिया। तो अभी हम यहाँ बनाना है 3 चेन, 1, 2 और 3। और यहाँ से हम शुरू करें 3, और हम यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। और 2 चेन, फिर से बनाना है 3 डबल क्रोशिया। और 2 चेन बनाना है, तो अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम ऐसे ही अभी इसको 2 चेन 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन ऐसे ही हम 8 बार कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, मेरा भी ऐसा हो गया है। ये 2 लास्ट चेन में डाल दी हूँ। तो अभी हमें ये जो ये है इसको खींच लेना है लूप को। ये देखिए ऐसा हो गया है अभी। तो अभी यहाँ इसको लेके हम इधर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अभी हम जो ये स्लिप स्टिच बना के इसको कनेक्ट किए हैं, तो हम यहाँ से और 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक ये देखिए, अब हम यहाँ उलन को डाल इस क्रोशे को डाल के सेकेंड कलर है उसको हम ऐड कर लेंगे। आपको कोई कलर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, मैं ये कलर ऐड कर रही हूँ इधर। तो अब हम बनाएंगे इधर से 3 चेन 3। तो अब यहाँ हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 3 2 चेन, फिर से इसमें ही डाल के हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए ऐसा हो गया है। तो हमें इसमें नेक्स्ट होल में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन, फिर से उसमें ही डाल के हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, अभी ऐसे ही कंटिन्यू कीजिएगा। मैं फुल ऐसे ही ये जो है ये 8, ये देखिए ऐसा हो गया है। तो हम यहाँ डालेंगे, मैं लास्ट पार्ट है उसको डाल रही हूँ। तो अभी 2 चेन डालेंगे और हम इसको इधर ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 स्लिप चेन डालना है। देखिए, अभी क्रोशे को इसमें ढाल के फिर से मैं इधर कलर चेंज कर रही हूँ।
देखिए अभी इधर तीन चेन बना के, एक दो तीन। तो अभी यहाँ मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तीन, चार, पांच, और ये हो गए 6। तो हम यहाँ बनाएंगे तीन चेन, एक दो तीन। अब मैं क्रोशे को डालूंगी यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ से डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ऐसा हो गया है। तो अब फिर से हमें यहाँ डालना है 6 डबल क्रोशिया। दो हो गए, तीन, चार, पांच, छः। तो हमें यहाँ डालना है एक सिंगल क्रोशिया और फिर से इस फोर में डालना है 6 डबल क्रोश। पर तीन चेन फिर से वही जैसा हम किए थे, इसमें से क्रोशे को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ऐसा हुआ है। तब हम इसको यहाँ डाल के एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। देखिए अभी फिर से हमें 6 सिंगल डबल क्रोशे इसमें डाल के फिर से बनाना है, यहाँ तक आने तक हमें बनाना है। देखिए अभी मेरा ये 8 हो गया है, तो मैं यहाँ सिंगल क्रोशे बनाऊँगी और इसको जो है इसमें सब स्टिच बनाऊंगी। देखिए अभी हमें इसको कट कर लेना चाहिए।
देखिए, तो ये अभी ऐसा हो गया है। जो स्टिचेस है उसको हम सी लेंगे और बाकी का जो है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अभी जो ये बाकी है इसको पूरा हम सी लेंगे। ये देखिए, ये भेजा हुआ है। जो एक स्टिच बाकी बचा है उसको मैं इधर कट कर लूंगी। तो अभी इसको हम इधर का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं इधर 30 चेन बनाऊंगी। दो, तीन, चार, इसको यहाँ कट कर लेंगे। देखिए, इसको अभी हम यहाँ से बांध लेंगे। अभी ये जो बाकी है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, हमारा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई अभी रेडी हो गया है। देखिए कितना इजी है, इसको बनाने का बहुत ही इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।